आज लॉकडाउन लगने के बाद प्रवासी मजदूरों ने अपने घर की तरफ पलायन शुरू कर दिया। देखने को यह भी मिला कि भारी संख्या में प्रवासी मजदूर बस स्टैंड पर इकट्ठा थे और जो किसी वाहन मिल रहा था वह उस वाहन से अपने घरों की तरफ पलायन कर रहे थे। बसों की संख्या कम और प्रवासियों की संख्या ज्यादा होने के कारण वह अपनी बारी बस का इंतजार कर रहे थे। मुरादाबाद संजीव शर्मा की रिपोर्ट। मुरादाबाद के रोडवेज बस स्टैंड पर और आप देख सकते हैं जैसा कि यहाँ कहा गया है कि अब यहाँ की एक्सपोर्ट फर्में बंद हो रही हैं और यहाँ के मजदूर पलायन कर रहे हैं और यहाँ पलायन की कंडीशन ये है कि आप देख सकते हैं कितने सारे मजदूर यहाँ खड़े हुए हैं जो घर जाने के लिए निकल गए हैं और काफी भारी तादाद में जिसको जहाँ जैसा भी वाहन मिल रहा है वो उस तरह के वाहन में बैठ रहा है, चाहे वो बस है चाहे वो किसी तरह का, इस तरह से बैठ रहे हैं। घर घर के इस समय जैसे कि कोरोना का टाइम चल रहा है और कोरोना के टाइम में भी लोग डिस्टेंसिंग भूल गए हैं, काफ़ी बड़ी तादाद में लोग पलायन कर रहे हैं। तो मैं इस समय खड़ा हूँ मुरादाबाद के बस स्टैंड पे, अभी आपको और हाल दिखाते हैं मुरादाबाद के। संजीव शर्मा जी, डॉक्टर तो ये कह रहा था कि नाम है कि हमारे अधिकारी ने बोल रखा है, ऐसा कुछ नहीं है। रवि कुमार नाम का, वो मैंने नाम भी पूछा उससे, रवि कुमार है हमारा, तो वही मैंने लिखित पे पेपर दे रखे हैं और समझा भी रखा, कोई यात्री बिना मास्क के बस में ना बैठे, बस में बैठे उसको उतार दे, तो उतार दीजिए आप उसे। इस तरह का तो नहीं है कि ज्यादा उगाई के चक्कर में या पर्सनली अपने उगाई तो ये है कि अब तक नहीं हो रही, अब तक यात्री कम निकल रहे हैं, तो चेकिंग भी हमारी ज्यादा इस समय रखी है, जगह जगह खड़े खड़े कर। ये रोडवेज चलने का जो आदेश है सरकार की तरफ से कि आप रोडवेज कंटिन्यू चलाएंगे? हाँ, अभी नया आदेश आ गया कि आउट ऑफ स्टेट कोई गाड़ी नहीं आएगी, सिर्फ अपने ही जनपद में गाड़ी चलेगी। जिस तरह से यहाँ यात्री परेशान है, हल्द्वानी है वो नहीं आएगी हमारी, रामनगर नहीं जाएगी गाड़ी, मतलब अपने अपने स्टेट में चलेगी। हाँ, उत्तर प्रदेश में जो बसें चल रही हैं, हाँ, गोरखपुर की यात्री उठा रखी है हमने, जी जी, उनके लिए व्यवस्था करने वाले हैं, गाड़ी आने वाली है उनकी व्यवस्था करने, दो गाड़ी भेज चुके हैं गोरखपुर में, अभी एक गाड़ी चार हजार लगे हुए तो उनके लिए व्यवस्था की जा रही है गाड़ी। पर हमने पूरे बस स्टैंड पर देख लिया, या सोशल डिस्टेंसिंग के लिए कोई गाइडलाइन जारी नहीं है, कोई फॉलो नहीं हो रहा है रूल, या ऐसा कोई ब्लॉक नहीं बनाया कि ये बार बार हम इसमें माइक पर हेलमेट करवाते हैं, कोई भी यात्री डिस्टेंस बैठे बिना मास्क कोई एंटर ना हो, ना बाइक इसमें एंटर हो ना कोई एंटर हो, हम इसलिए तुरंत मना कर देते हैं लोगों को, और बाहर के जो आते हैं उनसे मना करते हैं, भाई हमारे पास कोई गाड़ी नहीं, कोई व्यवस्था नहीं है आपका, आप लोकल रूट से निकल जाइए या भीड़ में बनाइए, हम भीड़ लगने नहीं देते, ज्यादा भीड़ इकट्ठी होती गाड़ी लगाइए भेज दिए। आप यहाँ पे किस कार्यपथ पर तैनात हैं? मैं स्टेशन वाली यहाँ पर जी, स्टेशन चार्ज स्टेशन में, आपको पता है कि कोरोना चल रहा है, लॉकडाउन है, फिर भी निकल गए घर से, इतने सारे छोटे छोटे बच्चे को लेकर, देखो बच्चों के साथ दिल्ली से ले के लिए निकले हैं, मुरादाबाद में हैं, तो आपको लगा नहीं कि कोरोना है, कुछ परेशानियाँ होंगी रास्ते में? शादी जरूरी है, जीवन जरूरी है, बताइए।